मंदसौर जनपद अध्यक्ष निकले पंचायतों का निरीक्षण करने। मंदसौर जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय निकले गांव-गांव शासन की जनहितकारी योजना का लाभ आम जनों को मिल रहा है या नहीं और मनरेगा कार्यों के निरीक्षण पर साथ मौजूद रहे। जनपद के कर्मचारी राजेश प्रधान व इंजीनियरिंग अश्विन पटेल व ग्राम पंचायत में आक्या गांव के सरपंच नंदलाल माली, सचिव अक्रम खान, सहायक सचिव शक्ति सिंह पवार, जनपद अध्यक्ष दौलादा सागर पहुँचे, जहाँ पर सरपंच सचिव प्रवीण पाटीदार, सचिव बालू सिंह गौर, ग्रामीण जन मौजूद रहे। मंदसौर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए संतोष धनगर की रिपोर्ट। अभी गांव-गांव में आपका भ्रमण चल रहा है, किस संबंध में इसका अभी भ्रमण चल रहा है? विशेषकर ये COVID-19 बीमारी को देखते हुए जो मजदूर वर्ग है उनके ऊपर जो आपत की मुसीबत पड़ी है उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार प्रत्येक गाँव में मजदूरों के लिए अलग अलग काम चालू किए हैं। उनका निरीक्षण करने के साथ ही प्रत्येक मजदूरों को मास्क वितरण मंदसौर जनपद के द्वारा किया गया है। हमने 26,000 मास्कों का वितरण किया है और आज भी 7,200 मजदूर मंदसौर जनपद के अंदर आज दिवस में कार्यरत हैं। आज मैं दलोदा के सगरा की इस पंचायत के अंदर आया हूँ, यहाँ पे भी आज 95 मजदूर कार्य कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति काम के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक गांव में जाकर के जो विभिन्न मजदूरों के लिए जो काम चालू किए सरकार ने उसका निरीक्षण कर रहे हैं और मैं संतुष्ट हूँ कि अच्छा काम सभी जगह सभी पंचायतों में मेरे को लगभग जो है मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं और इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश में मंदसौर जनपद ही ऐसी जनपद है जिसके अंदर 100% मजदूर काम कर रहा है और कोई भी काम के अधिकार से किसी भी गांव में मुझे अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आके मुझे ये कहा हो कि मुझे मजदूरी करना है या मुझे काम चाहिए और मुझे काम नहीं मिल रहा है। कई जगह चर्चाएं हैं कि मशीनरी के तर्ज मजदूरों की तर्ज पर मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, मनरेगा मजदूरों के नाम पर जेसीबी वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जो है इस बात में सच्चाई इसलिए नहीं है कि मैं पिछले 5 दिन से और मेरे जनपद के 119 पंचायत के प्रत्येक पंचायत में मैं जा रहा हूँ। ऐसी एक भी पंचायत नहीं है जहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ या नहीं गया हूँ और अभी तक मैंने लगभग 50 से 60 पंचायतों का निरीक्षण किया है और उससे जहाँ मैंने देखा है कि लगभग सभी जगह मजदूर काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं अन्य जगह ऐसा हुआ और अगर ऐसा कहीं दिखने में आएगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, मशीन जब्ती करवाएंगे और अगर मशीन से वो काम चलने की कोई शिकायत आएगी तो हम उस जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो यह है कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे काम नहीं मिला है तो उसको काम देने का काम हमारा है, उसके लिए नए काम खोलेंगे लेकिन किसी भी व्यक्ति को काम के अधिकार से वंचित नहीं रहने। सरकार प्रवासी मजदूरों के ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए हमने अभी मंदसौर के अंदर भी जनपद के प्रत्येक पंचायतों के अंदर ऐसे मजदूर जो बाहर काम करते थे और अभी वापस पुनः अपने यहाँ आए हैं, अपने गांव में आ गए हैं, ऐसे मजदूरों को चिन्हांकित करके और उनका जॉब कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर तैयार किया है और उनके लिए भी नए काम तुरंत खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में क्या कुछ अभी तक की अपडेट है? प्रधानमंत्री आवास में भी पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे और जो लोग पात्र हैं उनको मकान दिलाए जाएंगे, लेकिन जो लोग अपात्र हैं या जिनके पहले से पक्के मकान हैं उन लोगों के मकान जो है नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम आधार कार्ड से अभी लिंक का काम चल रहा है और वो भी युद्ध स्तर पर प्रत्येक पंचायत में चल रहा है।